कि 1,000 मतलब युवाओं को चुनाव में नामांकन कराने का नौबत क्यों आई, इसको समझना होगा। इसके पीछे के कारण क्या है आगे, ठीक है। वन वोट वन परसेंट के हिसाब से आपको समझ के वोट को सही जगह ये करना होगा, ठीक है। एक वोट आपकी एक बेटी के बराबर होती है, ऐसी समझ हमें रखनी होगी। यानी तो सबसे पहले जोहार दोस्तों, आप लोग के बीच फिर से एक और एक वीडियो के साथ। तो सबसे पहले आप लोग को तो बसंत पंचमी के ढेर सारे शुभकामनाएं, और ये 26 जनवरी आज का दिन था, ठीक है, उसका भी। तो दरअसल गाइज अभी टाइम मतलब तो आज का मतलब हम भी मतलब फिलहाल पूजा वूजा कर लिए हैं, ठीक है। फाइनल कहाँ क्लियर हो गया है पूजा, फाइनल मतलब खाना वाना खा लिए हैं। और उस आप लोग भी जो है आज एक वीडियो पर बात करेंगे दरअसल, ठीक है। तो मतलब हम भी पूजा वगैरह करके लिए हैं, ज़्यादा 2 बज गया लगभग, ठीक है। तो उसके बाद शूट कर रहे हैं वीडियो। दरअसल आज के वीडियो में जो मतलब बात करने वाले हैं इसमें कि रामगढ़ चुनाव को लेकर भी इस वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। रामगढ़ उपचुनाव आप लोग को पता होगा कि रामगढ़ उपचुनाव में जो है विधायिका मतलब जो विधायिका विधायिका जो है ममता दी के चल चुनाव होने वाला है, ठीक है। उसी के बेस पर बात करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ जो जो चैनल पे नहीं, प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा देना, ठीक है। चैनल का नाम है मेरा कुमार प्रदीप ऑफिशियल, ठीक है। अगर नहीं है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना, ठीक है। तो चलिए बेसिकली हम इसका जो है हम पॉइंट वाइज आप लोग के बीच उसका जो पॉइंट पॉइंट पहले शेयर करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद जो उसका क्लियर करेंगे, विश्लेषण करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली हम 5 पॉइंटों में ये नोट किए हैं इसके, ठीक है, नोट किए हैं। उसके बाद आप लोग को भी शेयर करेंगे, ठीक है। तो पहले आप लोग को भी जो है पॉइंट हम क्लियर कर देते हैं। पॉइंट मेरा स्पष्ट है, जैसे कि आप लोग को भली भांति पता होगा कि पेपर में ये हुआ है, और कल के साथ परसों मैंने देखे थे कि 1,000 युवाओं ने उपचुनाव में नामांकन का लिया संकल्प, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस की जयंती के लोग वहाँ देखे थे पेपर में, ठीक है। वही आप लोग के बीच एक पॉइंट रखे हैं कि 1,000 युवाओं ने चुनाव में नामांकन का लिया संकल्प, फर्स्ट पॉइंट है। देन उसके बाद सेकेंड पॉइंट है, 1,000 युवाओं का चुनाव में नामांकन कराने का नौबत क्यों आई, दूसरा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट है मेरा कि ये जो चल रहा है चुनाव में नामांकन का, इसे लाभ और क्या होगा, ये थर्ड पॉइंट है। और इसे हानि क्या होगा, ये फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, फोर्थ पॉइंट है। और 5 पॉइंट में है कि रामगढ़ वासियों को एक संदेश, ठीक है। मतलब 5 पॉइंट में ये सारा वीडियो मतलब क्लियर हो जाएगा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, ठीक है। आप लोग को भी ज़्यादा हम टाइम नहीं लेंगे और जल्दी से जल्दी हम आप लोग भी जो है विश्लेषण करने का कोशिश करते हैं, ठीक है। वैसे क्योंकि फर्स्ट पॉइंट में मेरा है कि 1,000 युवाओं ने चुनाव में नामांकन कराने का लिया संकल्प, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट मेरा ये है। दरअसल मामला क्या है, दरअसल मामला है कि रामगढ़ का जो है रामगढ़ मतलब ये मामला जो आप लोग पता होना चाहिए कि झारखंड में रामगढ़ है, वहाँ जो है ममता दी मतलब पहले विधायक मतलब थे, ठीक है। तो उसके जो विधायिका मतलब रद्द कर दी गई है, ठीक है, चुनाव इलेक्शन के द्वारा। तो उसके जगह पर वहाँ उपचुनाव होने वाला है, ठीक है। तो वही है कि रद्द हो गई जिसमें उपचुनाव होना है, ठीक है। मामला तो समझिए कि आखिर उपचुनाव में कौन सा जगह क्या है, कहाँ का है, ठीक है, और क्यों मतलब 1,000 युवाओं ने चुनाव में नामांकन कराने का लिया फैसला, या आप लोगों भी जो है डिफिनेशन मतलब कुछ ये कर दें इंट्रोडक्शन के रूप में, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं कि 1,000 युवाओं का चुनाव में नामांकन कराने की नौबत क्यों आई,
यही तो मेन थी पॉइंट है, मेन मुद्दा है। आखिर ये जो नौबत क्यों आई, मतलब युवाओं की, हम ना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सीधी सी बात। यानी मतलब जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, भाड़ देना कि 1000 मतलब युवाओं को चुनाव में नामांकन कराने का नौबत क्यों आई, इसको समझना होगा। इसके पीछे के कारण क्या है, आखिर क्यों युवा इतने मतलब एग्रेसिव हो गए हैं कि चुनाव करवाना है। ये तो पेपर में भी आउट हो गया, उसके बाद पहले मतलब उससे आगे पीछे भी मतलब सोशल मीडिया के थ्रू मतलब जानकारी मिली होगी, ठीक है। तो इसका हम यदि पॉइंट देखते हैं, ठीक है, कि हेमंत सरकार, इसका यदि हम कुछ विश्लेषण करने जा बैठेंगे तो उसको आपको, आप लोग को पता मतलब सामने आएगा कि हेमंत सरकार तथा बीजेपी सरकार के कार्यप्रणालियों से नाखुश है युवा, ठीक है। चाहे हेमंत सरकार की अभी फिलहाल तो हम मानते हैं कि हेमंत सरकार है, ठीक है, हेमंत सरकार ही पहले लेते हैं। हेमंत सरकार आपने देखा कि नियोजन नीति रद्द हो रही है, हैं। दूसरी बात बात किए थी कि वो जिस मुद्दे के साथ अपनी सत्ता पे आए, ये हेमंत सोरेन की 32 का खतियान लागू करें, और अभी भी 3 साल ये हो गया, अभी तक विधायक जब दबाव मिला तब जाके, जनता के जब दबाव मिला तब जाके विधानसभा से पास होती है। देन उसके बाद कुछ दिन तो पेपर में आउट हुआ कि राज्यपाल रमेश बैस के पास भी अभी तक नहीं पहुंचा, पता नहीं कहां पर है लटका हुआ, ठीक है। लेकिन माँ मुख्यमंत्री के थ्रू, सीएम के थ्रू मतलब जो है बात ये निकल के आ रहा था कि ये केंद्र सरकार के पास भेजी जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह मामला। यानी देखा जाए तो आपको 3 साल ये हो गया है, अभी तक आपको ना कोई भी इन लोग बीजेपी रहे चाहे अभी मतलब कांग्रेस के अंदर सॉरी जेएमएम का कार्यो से मैं बिल्कुल ना जनता ना खुश है। हम युवा क्या करें, ठीक है। दूसरी बात, ये तो आप लोग को भले भांति मतलब ये पता होगा कि जेएमएम का मतलब क्या कार्यप्रणाली चल रही है, करने की जो क्या ढंग चल रही है, ठीक है। माफ़ कीजिएगा यदि कुछ एनर्जिकल कमी लगता हुआ तो माफ़ कीजिए, क्योंकि 2 बजे तक हम सहे हैं, देन उसके बाद हम पूजा होता है क्या लोग वीडियो शूट कर रहे हैं, ठीक है। अब वॉल्यूम में यदि लो कम लगती होगी तो उसके सॉरी, क्योंकि ठीक है। तो दूसरी बात, हेमंत सरकार के भी कारणों से मतलब युवा जो है पूरा मतलब एग्रेसिव हो गए, मतलब ठीक है, बहुत गुस्सा में है, ठीक है। तो और दूसरी बात, अभी तो यदि कांग्रेस के लिए इन लोग जो है कांग्रेस तो ऐसा उसी में चला गया समझे जेमे में, ठीक है, इन लोग का अलग से बात करें। अगर यदि विपक्ष की बात करते हैं तो बीजेपी सरकार, बीजेपी की सरकार के जो कार्यशैली है उनका भी आप लोग भले भले अभी परिचित होंगे कि क्या उसका जो स्टेटमेंट जारी हो रहा है, चाहे उनका लीडर हो चाहे कोई भी हो, भली भांति परिचित। अभी कुछ दिन पहले निशिकांत दुबे का इस तरह स्टेटमेंट वायरल हुआ कि बांग्लादेशी 32 का खतियान बात जो करता है, यानी देखा जाए तो स्पष्ट है कि बीजेपी भी जो है पूरे झारखंड के लिए मतलब बिल्कुल मतलब खुश करने वाली चाहे काम करने वाली मतलब स्टेटमेंट जो है तरक्की नहीं निकल रही, ठीक है। इसे का युवा आक्रोश है, ठीक है। तो वही उन लोग बोल रहे हैं, वहाँ का जो युवा लोग हैं, युवा लोग जो हैं यूथ लोग, कि ना हम मतलब ऐसा मतलब कुछ ये करेंगे कि आपको ना हम ना जीतेंगे नहीं जीतेंगे, सीधी सी बात। यानी मतलब जो है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, भाड़ देना, ठीक है, उस टाइप को जो है वहाँ मामला क्रिएट मतलब रूप लेने का जैसे हम प्रतीत हो रहा है, न जीतेंगे नहीं जीतने देंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का। तो यानी देखिए जेएमएम का भी आप भले बहुत ही आप लोग को परिचित हो, बीजेपी का
अगर यदि हम बिग बॉस ये थे, बीजेपी थे, तो उसका भी अगर यदि देखते हैं कि हाँ नहीं बेटा जनता के अकॉर्डिंग जो है सरकार पर दबाव बना रही है तो मानते हैं, लेकिन उनका भी नहीं। स्वाभाविक चीज़ है कि जनता और क्या करेगी, लाजमी है। तो बस फर्स्ट पॉइंट ये रहा। दूसरी बात कि जनता के समक्ष कोई स्पष्ट उम्मीदवार का ना होना, ठीक है, ये दूसरा पॉइंट में इसी के अंदर आ रहा है कि जनता के समक्ष कोई अस्पष्ट उम्मीदवार का ना हो, ठीक है। अगर जो जनता है रामगढ़ वासी है, अगर उसके पास यदि कोई उम्मीदवार अगर यदि भी अस्पष्ट हो जाता ना कि मान लीजिए हम बीजेपी को ना देना है और ना ही जेएमएम को, ठीक है, अगर वहाँ के वासियों के थ्रू अगर यदि किसी को नेतृत्व करने के लिए अगर यदि ये किया जाता है खड़ा करने की, मतलब आपस में एक समझौता करके एग्री होकर, मतलब ये करने का निर्णय लेके यदि अगर कोई उम्मीदवार को स्पष्ट करके उसको जो चुनाव इलेक्शन में ये करते, तो ये भी मामला क्रिएट नहीं होता कि 1,000 युवाओं का जो है नामांकन का लेने का। लेकिन ये यहाँ भी ये भी स्पष्ट नहीं हो पाया कि ना कोई स्पष्ट उम्मीदवार मतलब जो है जनता का, इसलिए 1,000 जा रहा, 1 के बदले 1,000 वहाँ मतलब नामांकन होगा, ठीक है, दूसरा पॉइंट। लेकिन हाँ इसी में ले लेते हैं कि मतलब जैसे कि अभी भाली भांति आप लोग को परिचित पता होगा कि जयराम जी से आंदोलन कर रहे हैं, ठीक है। हम बहुत निगरानी के साथ आप लोग को भी देख रहे थे कि जो चल रहा था आंदोलन, जब ये मामला मतलब ये हुआ कि मतलब रामगढ़ का विधायक ये रद्द हो गया तो वहाँ चुनाव होने वाला है, उपचुनाव होने वाला है, ठीक है, तो नज़र रख रहे थे कि मतलब जयराम जो है अपना वहाँ जो भी बोल सकते हैं अपना मतलब उम्मीदवार वहाँ उतारेंगे कि मैदान में कि नहीं, ठीक है। तो जब जैसे 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 मीडिया के सोशल मीडिया के थ्रू जब आने लगी बात आने लगी कि मतलब जनता मतलब वहाँ मतलब सवाल तो होना ही है, लाजमी है कि वहाँ ये हो गया है तो फिर आपका उम्मीदवार स्पष्ट होगा कि नहीं, मतलब उतरेगा कि नहीं मैदान। तो स्पष्ट धीरे धीरे बात निकल के आई कि जयराम का जो संगठन बोल सकते हैं जयराम ने स्पष्ट कर दी कि अभी मतलब बिल्कुल एक बोल सकते हैं कि फ्रेश, यानी 2024 से ही अगर आएंगे तो 2024 से, यानी फिलहाल अभी नहीं आए। तब जाके जो है युवाओं के सामने जो है और स्पष्ट कोई चारा जिसको बोलते हैं ना, और कोई नज़र नहीं आया, ठीक है। ये भी हो सकता है अगर वहीं पर यदि जयराम अगर ये कर देते हैं, अगर करते भी, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि कर देना ही ठीक था, ठीक है, ये नहीं मत समझ लीजिएगा कि हम जो बोल रहे हैं कि जयराम को करना ही था, ठीक है। अगर कर देते तो वहाँ की जो जनता है एक बिंदु पर मात्र वही मुद्दा पर हम गारंटी के साथ बोल देते हैं कि वहीं पर सारा वोट पड़ता है, ठीक है। लेकिन जब स्पष्ट नहीं हो पाया जनता के समक्ष, 1,000 जो मामला सामने आया नामांकन का, ठीक है। दूसरी बात, कोई ऑप्शन या विकल्प नहीं है और कोई मतलब चारा नहीं है, इधर न जेएमएम से ना खुश है और ना बीजेपी से, तो आखिर करेगा जनता क्या। चलो वही युवाओं का कहना है कि ना जीतेंगे और न जीतने देंगे, भाड़ देंगे, ठीक है। वीडियो बहुत फास्ट 13 मिनट हो चुके हैं, ठीक है। तो 1,000 एंडिंग चल रहा है सीटीआर, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। दूसरा देखते हैं लाभ, ठीक है, लाभ और मतलब अब तो हो गया। थर्ड पॉइंट में देखते हैं मेरा इससे लाभ क्या होगा, ये जो मामला देखने को मिल रहा है इससे लाभ क्या होगा, तो ये देखते हैं। लाभ इसमें देखा जाए तो अगर हम देखते हैं कि ना जीतेंगे और ना जीतने देंगे, यानी भाड़ देंगे, ठीक है, यानी लाभ जनता यही समझ रही है, ना जीतेंगे और ना जीतने देंगे, यानी लाभ वही समझ के वो मामला को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दरअसल इसमें तो हमको ज़्यादा लाभ नहीं नज़र आ रहे, ठीक है। तो फोर पॉइंट में देखते हैं इसके हानि का विश्लेषण करते हैं। तो खबरों के मुताबिक जो देखने को मिल रही है उनसे स्पष्ट है कि इसमें हानि ही जनता की होगी,
ठीक है, जहाँ तक हमको समझ रही है, ये मेरा ओपिनियन है कि आप लोग को अगर मैं मतलब वहाँ के रामगढ़ के वासियों से मतलब ना किसी तरह का ये है, ठीक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, और वहाँ का हाँ जो हुआ अगर लोग कर रहा है तो सही है, ठीक है, लेकिन हम उसमें ये क्या बोलते हैं नहीं करने जाएंगे, लेकिन जहाँ तक हम लोग रहा है कि इसमें जनता की हानि होगी। अब हानि किस प्रकार होगी देखते हैं थोड़ा, कि जनता की हानि, ठीक है, जनता की हानि जैसा कि विकास, ठीक है, एक एक करके हम आपको करते हैं। जनता की हानि मतलब इसमें देखिए, ठीक है, विकास की ओर बढ़ने की बजाय विनाश की ओर, ठीक है, मतलब देखिए, अगर यदि 1,000 युवा यदि वहां पर नामांकन करा लिए हैं तो जनता को जो है स्पष्ट नहीं हो पाएगी कि हमको किसको ये क्या करना है, ठीक है, आप लोग तो मैदान में उतर गए हैं लेकिन मानते हैं, लेकिन यहाँ जो है जनता जो है वो डाउट में रह जाएगी हमको किसको क्या करना है, यानी आप लोग तो मैदान में उतर गए हैं समझ रहे हैं, लेकिन एक जनता को समझना होगा जनता बन के कि इन लोग क्या करेंगे, इन लोग तो मतलब क्या बोलते हैं घर के घाट में समझ में नहीं आएगी, ठीक है, यानी क्या बोलते हैं एक अच्छी के तरह ही वो पिछा जाएगा, स्पष्ट उन लोग को भी नहीं मतलब सामने कुछ दिखने को मतलब एक बोलते हैं ना कि इधर ना उधर रास्ता मतलब कहीं के नहीं, ठीक है। दूसरा देखते हैं विकास की ओर बढ़ने की बजाय विनाश की ओर बढ़ना, ठीक है, यानी अगर इस तरह यदि मतलब क्रिएट होता है मामला, ठीक है, तो इसमें क्या है हम विकास की ओर नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है, इस तरह का मामला क्रिएट करने से क्या है कि ये मतलब कोई विकास का सीढ़ी ये नहीं हुआ, ठीक है, अगर विकास की अगर यदि हम बात करते हैं ये तरीका नहीं हुआ विकास करने, ठीक है, ये भागने वाला बात हो रही है, ठीक है। चलिए थर्ड पॉइंट देखते हैं कि जब जबकि हमें एक जबकि हमें एक एक सियाई से विकास पथ का बढ़ सकते हैं, ठीक है, यानी थर्ड पॉइंट में मेरा ये है कि अगर यदि हम विकास की बात करते हैं यही एक एक सियाई से यानी एक एक वोट से हम गारंटी लेते हैं कि रामगढ़ का विकास हो जाए, लेकिन उसका सही तरह से यूज हो होना चाहिए, ठीक है, इधर उधर करने से भी नहीं होगा बिल्कुल, जहाँ तक मेरे को मानना है। दूसरा देखते हैं, ये तो होगा विधायक से विकास का काम करने का उम्मीद ना रखना। मान लीजिए मान लो कोई अगर चुनाव में जीत भी जाए, वो स्वाभाविक चीज़ है, लाजमी है कि कोई ना कोई निकलेगा ही, मानते हैं, तो जीतने के बाद आपको क्या आप उस उम्मीदवार या विधायक से आशा रखेंगे कि काम करेंगे, या तो मामला देखने को मिल रहा उल्टा उल्टा, आप कैसे कह पाएंगे कि हम आपको वोट दिए हैं आपको काम करना होगा। हाँ अभी क्या सामने जो मामला हमें देखने को मिलता है मुखिया में, वो स्पष्ट कर देते हैं कि हाँ आप जो है चुनाव बल ये पैसा चाहिए किए हैं, कहाँ सब बारे में विकास के बारे में बात करेंगे, स्पष्ट बोल दे रहे हैं मुंह से, स्पष्ट है कि वहां भी विधायक से आप काम करने का जो है उम्मीद बिल्कुल आप ना रख पाइएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो हो गया, मेरा 18 मिनट वीडियो हो चुकी है, तो सेकंड लास्ट पॉइंट है मेरा, ठीक है, और देखिए जो सही लगे वही कीजिए, ये भाव वगैरह हमको मतलब जहाँ तक हमको लगता है सही नहीं होता है, ठीक है, अगर विकास करना है ये सही में तो, ठीक है। तो चलिए लास्ट पॉइंट देखते हैं कि रामगढ़ वासियों का एक संदेश, ठीक है, रामगढ़ वासियों का एक संदेश है कि वोट किसे दें, ठीक है, वोट किसे दें, वासियों के संदेश है कि वोट किसे दें, ठीक है। तो हाल ही के दिनों में जरा मंत्रो ने एक स्टेटमेंट जो है जब भोकाल टीवी जब ये इंटरव्यू लेने के लिए गए थे, वहाँ आप लोग वीडियो अगर अच्छे से वॉच किए होंगे तो आप लोग को पता चला होगा कि उसमें स्पष्ट बोले थे कि अगर आप लोग
ठीक है, तो उसमें स्पष्ट किए थे मतलब कि स्पष्ट मतलब स्पीच दिए थे ठीक है कि सोना चांदी जेवर आदि से ये क्या है, सोना चांदी जेवर जितने भी श्रृंगार की चीज़ें ये मानव की सुंदरता बढ़ाने में ये होती है ठीक है, सुंदरता बढ़ाती है, सोना चांदी जेवर आदि जितने भी ये हैं आभूषण ये मानव मनुष्य की सुंदरता बढ़ाती है। ठीक उसी तरह, ठीक उसी तरह कि अगर किसी राज्य या देश को सुंदर राज्य की वो सुंदरता को अगर बढ़ानी है ठीक है बढ़ानी है तो नीले रंग की स्याही जो हम लोग देखे होंगे वोट के टाइम जो पता होगा नीले रंग की जो स्याही यानी एक एक वोट को अगर आप सही से ये करते हैं तो उस राज्य की सुंदरता बढ़ाने में योगदान दे सकता है ये मानना है और मानना पड़ेगा। अगर प्रत्येक व्यक्ति नहीं मानेगा तो फिर नहीं हो पाएगा विकास ठीक है। जिस तरह एक आभूषण से जेवर से मनुष्य की सुंदरता बढ़ती है ठीक उसी तरह एक एक वोट से समझे उस तरह उसका ये होता है। यानी आपको ये समझना होगा कि वन वोट वन परसेंट, बहुत लोग सोचते हैं कि एक वोट से क्या होने वाला है, ये नहीं, एक वोट से हार और जीत होती है ठीक है। यानी वन वोट वन परसेंट के हिसाब से आपको समझ के वोट को सही जगह ये करना होगा ठीक है, तब जाके एक राज्य और देश की दुर्दशा को ये हो सकती है, उस विकास को क्योर ले जा सकती है ठीक है। ये फर्स्ट एग्जाम्पल आप लोग भी शेयर किए धनुष के बाद, अब सेकंड एग्जाम्पल शेयर करते हैं ठीक है कि देखिए सेकंड एग्जाम्पल है कि वोट कैसे दें किसे चुने, ये जो मामला जो होता है ना उसके लिए हम लोग फिर एक एग्जाम्पल शेयर कर रहे हैं ठीक है। जिस तरह अपनी बेटी की शादी ठीक है ये जो आप लोग को भली भांति मतलब समझ आया जाएगा ठीक है, जिस तरह अपने बेटी की शादी जो है किस तरह देते हैं, एक बेटी की शादी आप लोग किस तरह देते हैं ठीक है, तो जिस लड़के से आपको ये करवानी जो रहती है ठीक है बाग एक बोलते हैं क्या जीवन का बागडोर देने को रहता है, उस लड़के की पूरी तरह से पूरा मतलब उसका पूरा खानदान देखते हैं ठीक है, उसके गुण अवगुण देखते हैं तब जाके उससे मतलब ये करवाते हैं ठीक, तब जाके हम अपनी बेटी को शादी ब्याह जो भी है कराते हैं देते हैं ठीक है यह देते हैं। इतना ही नहीं गहराई तक दूसरी बात ये तो हो गया कि उसका गुण अवगुण हम मतलब अपनी बेटी के जो उसका ये होने वाला है उसके बारे मतलब देखते हैं, उसका कैरेक्टर देखते हैं, उसका खानदान पूरी तरह देखते हैं, यहाँ तक अगर यदि जब उसकी गहराई से अगर जानने को रहती है तब उसके आस पड़ोस से भी हम जानकारी लेते हैं कि वो कैसा लड़का है नहीं है ठीक है, मतलब उसका खानदान की जो है क्या बोलते हैं एक खानदान की तार का कनेक्शन जो है ना पूरी तरह से चेक करने के बाद जो है हम ये करते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए जब आप लोग बर्तू ये करते हो उसके खानदान उसका मामा घर तो उसका ये घर वो घर घर कहाँ है, जब उसका सारा मतलब ये रिकॉर्ड जो सुनने के बाद उसका जो जो सामने आता है कि नहीं अच्छा खानदान घर का है तब जाके आप उसे ये करवाते हैं, मतलब सारा मामा घर से लेकर मौसी घर तक सब सारा कुछ कहाँ क्या है नहीं है किधर कैसा खानदान घर का है तब जाके आप शादी करने के लिए रेडी होते हैं। ठीक उसी तरह आपको जो है अपने वोट को वन वोट वन परसेंट समझ कर एक एक स्वच्छ और कर्मठ ईमानदार आदमी के हाथों में देना चाहिए ठीक है। आपकी एक वोट आपकी ठीक है आपकी एक वोट आपकी एक बेटी के बराबर होती है, ऐसी समझ हमें रखनी होगी। यानी आपकी एक वोट मतलब एक वोट आपकी एक बेटी के बराबर होती है ठीक है। जिस तरह अपने बेटी को एक शादी के लिए जिस तरह आप खानदान देखते हैं जितनी अब ये देखते हैं जिस जांच पड़ताल करते हैं ठीक उसी तरह आपको ये करना होगा। मुर्गा और ये कब होते हैं सबके चक्कर में एक दिन पैसा दे दिया 1,000 10,000 बेटा 5 साल के बाद वो आप इससे आशा ही भूल जाइए, इससे क्या विकास होगा। आप
जिससे आप जो पैसा ले लेते हैं कि 1,000, 2,000, 10,000 जितना भी देता हम नहीं हमको उतना उस पता नहीं है, लेकिन आपको क्या लग रहा है इससे राज्य या देश का विकास होगा, समाज का विकास होगा? नहीं। अरे पैसा ले लेगा आदमी उसी पर्सन का उसी वक्त, पैसा क्या और आशा भी नहीं रख पाइएगा कि हमको विकास के लिए आदमी जो है काम देगा, और नहीं करेगा, समझे? इस सब जो मौका चक्कर पैसा कौड़ी में आदमी जो बीत जाता है ना, वो आदमी कभी समाज में नहीं विकास करेगा, कभी नहीं। जो खरीद लेते हैं वो कभी नहीं, अब उनसे आशा ही मतलब छोड़ दीजिएगा कि वो विकास करेंगे समाज के लिए, राज के लिए, ठीक है? ऐसा नहीं होता है। इस सबसे आपको अगर राज का देश का विकास करना है तो आपको जो एक वोट वन वोट वन पर्सन समझ के आपको जिस तरह आपको इतना एग्जांपल दिए कि एक शादी के लिए किस तरह ये किया जाता है, तब जाके शादी के लिए रेडी होता है एक खानदान के दूसरी ये करने के लिए दूसरे खानदान से, ठीक उसी तरह आपको भी अपने राज का बागडोर या विधानसभा का बागडोर किसके हाथों में देना है, स्वच्छ कर्मठ उम्मीदवार के हाथों में, तब जाके आपका जो है एक बेटी के भांति जो है अपना जिस तरह अपना बेटी के बागडोर उस लड़के हाथों देते हैं, ठीक उसी तरह उस विधायक को देना होगा, तब जाके आपका जो है विकास की आशा रखिए, न तो आशा मत रखिए और आंदोलन करते रहिए। चलिए, चूँकि एक बार कॉल आके मतलब मेरा वीडियो मतलब डिस्कनेक्ट ये हो गया, कट गया, फिर से अपने ओपन करके फिर से लोग वीडियो कर लो, फाइनल कर दिए, ठीक है? आई होप कि ढेर सारा अगर आप लोग को प्यार दीजिएगा, ठीक है? और चूँकि हमको भी समय नहीं मिलता है तो समय निकाल कर ये करना पड़ता है, चूँकि आज तो सरस्वती पूजा तो छुट्टी भी था, इसलिए हम लोग वीडियो चूँकि हम कल ही हम पॉइंट बना चुके थे, ठीक है? मतलब स्क्रिप्ट रेडी कर चुके थे लेकिन शूट करने के टाइम नहीं मिला, 10:30 या 10:30 रात, तो सोचें आज कि आज मौका मिला आज ही कवरेज को कर देते हैं कम्प्लीट। तो चलिए यहाँ आपके ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अगर इसमें कोई त्रुटि या कोई ये रहा, ठीक है? अगर न रामगढ़ को वासियों को ठेस पहुँचाना है न किसी को, ठीक है? लेकिन एक तर्कसंगत बात रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है? किसी को ठेस पहुँचाना नहीं है, अगर जिसको जो अच्छा लगे वो अपने वहीं उस एथी को उठा लें, ठीक है? और जिसको नहीं लगता है मत उठाएं, उनको किसी के ऊपर फोर्स डालना ये मतलब इस तरह का कुछ नहीं है, ठीक है? आई होप कि ढेर सारा प्यार दीजिएगा, अगर इसमें कोई कमी हो तो उसमें भी आप जरूर कमेंट करके बता दें कि ये थोड़ा फोन छूट गया, ये सब कुछ था, गलत था, ठीक है? चलिए, जय झारखंड, जोहार झारखंड।